नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। ककरो मन के इच्छा पूरा कर संविधान संशोधन नहीं कैल जाए एमाले के अध्यक्ष ओली के कहब। अवैध रूप में संचालित जनकपुरक 5 दवाई दुकान जिला स्तरीय अनुगमन समिति द्वारा बंद कराओल गेल। आ सीरिया में श्रृंखलाबद्ध रूप में भेल बम विस्फोट में बढ़कर 40 गोटे के मृत्यु। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ककरो बहकाव में पड़ के संविधान संशोधन नहीं करब बतौलन। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेपाली कांग्रेस मधेशवादी दल उठबैत आयल मुद्दा संबोधन के लिए संविधान संशोधन कर बताब रहा समय एमाले अध्यक्ष ओली संविधान संशोधन ककरो बहकाव आ कहब में विषय नहीं बतौलन। थाईलैंड के बैंकॉक में स्वास्थ्य इलाज करा कर स्वदेश घूरल एमाले अध्यक्ष ओली संशोधन के मांग रखा वाला मधेशवादी दल आ संशोधन कर चाह वाला सरकार संशोधन के विषय आगू रखला के बाद एमाले अपन जवाब दे बतौलन। एमाले अध्यक्ष ओली प्रदेश के सीमांकन फेरबदल कर के मधेशवादी दल सबक मांग अनुचित रहल कहलन। ओ बैंकक रहल समय में भारतीय गुप्तचर संस्था रहल प्रतिनिधि के भेट गेल कहिक अपना विरुद्ध झूठ के खेती कैल गेल कहत अपना विरुद्ध कैल गेल प्रचार नहीं पत्या आग्रह कने। ओली स्वास्थ्य इलाज के लिए 11 दिन पहले बैंकक गेल रहत। विशेषज्ञ सब जीका संक्रमण कोनो समय देख में आयत कहत चेतावनी दे तत्काल देश के रणनीति बनाब सरकार से आग्रह कलक। छोट माथा भेल धियापुता जन्म लगला के बाद मात्रे ई संक्रमण आयल पत्ता लाग के स्थिति आब से पहिने बचाव के रणनीति बनाब जोर देने। नेपाली सब कार्यरत मलेशिया तथा सिंगापुर में जीका के संक्रमण देखल गेला के बाद विज्ञ सब चिंतित भेल। सिंगापुर में 21 चिनिया 13 भारतीय तथा 6 बांग्लादेशी सहित 115 गोटे में संक्रमण देखल गेल। सिंगापुर से मलेशिया घूरल एक महिला में सेहो संक्रमण देखल गेल। मलेशिया में करीब 6 लाख नेपाली कामदार रहते हैं। सिंगापुर में करीब 11,000 नेपाली कार्यरत है। सिंगापुर में कार्यरत 13 भारतीय कामदार में जीका संक्रमण के इलाज भ रहा भारत के विदेश मंत्रालय से अनलक। देश में डेंगू आ चिकनगुनिया के संक्रमण फैलाव वाला एडिस जात के लाम मच्छर जीका संक्रमण के लिए जिम्मेवार मानल जात। जीका वायरस के लक्षण चिकनगुनिया आ डेंगू के जेहने होते। अवैध रूप में संचालित जनकपुरक 5 दवाई दोकान जिला स्तरीय अनुगमन समिति बंद करौलक। धनसाक सहायक प्रमुख जिलाधिकारी राजेश गिरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य संस्था सब में कैल गेल अनुगमन में 5 दवाई दोकान बंद कराओल गेल। दवाई दोकान बंद कर कागज पत्र लक प्रशासन कार्यालय आव संचालक सबके अनुगमन टोली निर्देशन दिलक। जनकपुरक अस्पताल रोड स्थित यादव फार्मेसी, राधे फार्मेसी, ओम जानकी औषधालय, मीरा दवाई केन्द्र, मीरा औषधि केन्द्र, राधाकृष्ण मेडिकल हॉल अनुगमन टोली बंद करौलक। ओकरा सबके 1 सप्ताह भीतर संपूर्ण कागजात दुरुस्त कर समय सीमा देल गेल। जिला जन स्वास्थ्य के अनुगमन अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुर, घरेलू के अर्जुन मंडल सहितक अनुगमन टोली बिना कोनो कागजात के संचालन में आनल गेल नवजीवन अस्पताल के छूट देने। घरेलू प्रशासन, आंतरिक राजस्व आ जिला जन स्वास्थ्य में से कतौ दर्ता नहीं भेल नवजीवन अस्पताल के अनुगमन टोली 7 दिन भीतर दर्ता कराब निर्देशन दिलक। अनुगमन करैत काल अस्पताल में 3 गोटे बीमार भर्ना रहला से बीमार के ध्यान में रखैत बंद नहीं कराने सहायक प्रमुख जिलाधिकारी राजेश गिरी बतौलन। नेत्र विक्रम चंद नेतृत्वक नेकपा माओवादी दालि चाउर लगायत के दैनिक उपभोग्य वस्तु के मोल 50% घटाब मांग कलक। नेकपा माओवादी केन्द्रीय समिति के 11 बैसार से निर्णय क दालि चाउर तेल चीनी आटा दूध तरकारी फल फूल मांस आ मसाला के मोल 50% घटाब मांग कलक। नेकपा माओवादी सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क पेट्रोल के मोल प्रति लीटर 48 रुपया, डीजल के मोल प्रति लीटर 25 रुपया आ खाना पकाव वाला LPG गैस के मोल प्रति सिलेंडर 378 रुपया घटाब मांग कलक। मांग पूरा कर के लिए दबाव देव माओवादी आश्विन 25 गते विजयादशमी के दिन देशव्यापी रूप में 1 घंटा चक्का जाम कर जका आंदोलन के कार्यक्रम सबसे सार्वजनिक कलक। नेकपा माओवादी प्रवक्ता खड़ग बहादुर विश्वकर्मा ईंधन आ दैनिक उपभोग्य वस्तु में कड़ा मोल कायम क उपभोक्ता के ठग के काज भ रहा से उपभोक्ता के सहभागिता में आंदोलन कर जका आश्विन 28 गते धर के लिए विरोध के कार्यक्रम सब तय कैल गेल बतौलन। भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन में मनाओल जाय वाला ऋषि पंचमी पावन आई सप्त ऋषि के पूजा का वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी नारी सब मनाब रहा है। आई भिनसरे उठकर नारी सब नजदीकक नदी, खोला, ताल, तलैया, पोखर समेत जाकर 363 दतमन से दाँत माजके
गाय के गोबर माटि आ छाउर से लगाकर स्नान करते। स्नान कला के बाद अरुंधति सहित अत्रि गौतम भारद्वाज जमदग्नि वशिष्ठ कश्यप आ विश्वामित्र के पूजा कैल जाते हैं, जरा ऋषि पंचमी के पूजा से कहल जाते हैं। ऋषि सप्त ऋषि के पूजा कर वाला पंचमी भेला से आजुक पंचमी के ऋषि पंचमी से कहल जाते हैं। भारतक राजधानी नया दिल्ली में नेपाल में विभेदकारी संविधान जारी रहल कहित विरोध प्रदर्शन के संगे संविधान जराव के निर्णय कैल गेल। नेपाल के संविधान जारी भेल एक वर्ष पहुंचल अवसर में आसीन 3 गते नया दिल्ली स्थित जंतर मंतर में संविधान जराओल जायत। दिल्ली में रहल मधेसी थारू सभक छाता संगठन यूनाइटेड मधेसी आसीन 3 गते अर्थात 19 सेप्टेम्बर में देरिया के 2 बजे से 5 बजे धरि जंतर मंतर में प्रदर्शन करत जनौलक। संगे नेपाल के संविधान से जराओल जायत। यूनाइटेड मधेसी के प्रवीण कुमार कर्ण आसीन 3 गते नया दिल्ली के जंतर मंतर में नेपाल के संविधान चढ़ाव के संगे विरोध प्रदर्शन हाथ बतौलन। कर्ण के अनुसार वह दिन साँझ 7:30 बजे से 8 बजे धरि बल्ब बंद कर ब्लैकआउट कैल जायत। एम्हर यूनाइटेड मधेसी के अध्यक्ष संजय यादव विरोध प्रदर्शन के तैयारी जोर तोर के संग भर रहा जनौलक। आब इंटरनेशनल न्यूज। सीरिया के सरकार नियंत्रित क्षेत्र में भेल बम विस्फोट में पड़कर कमती में 40 गोटे के मृत्यु भेलै छ। होम्स दमास्कस हासा के तथा टार्टोस में 1 घंटा के बीच में भेल 4 बम विस्फोट में 40 गोटे के मृत्यु भेल। सीरिया के सरकारी संचार माध्यम से जनौलक। विद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट IS आक्रमण के जिम्मेवारी लेने आई। हासा के में कुर्दिश समूह आक्रमण कलक। सीरिया के सरकारी समाचार संस्था साना 30 गोटे सर्वसाधारण नागरिक के मृत्यु भेल आ 45 गोटे घायल भेल जनौलक। अपन न्यूज अखन के लिए लात पे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।